बॉबी जहाँ MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक नजर आज की बॉलीवुड पर। हेरा फेरी 3 की तैयारी शुरू। 19 साल बाद फिर प्रियदर्शन संग हंसाएंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की सुपर हिट हेरा फेरी की अगली फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेरा फेरी 3 लंबे समय से अटकी पड़ी है। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाल वाला लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि फिल्म फ्लोर पर आ जाए। अब तक वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने फिल्म की पुरानी स्टार कास्ट को बदल करने के साथ कलाकारों के साथ इस फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर किसी कारणवश फिल्म टेंडर बस्ती में चली गई। कुछ दिनों पूर्व एक बार फिर हेरा फेरी 3 की चर्चा चली। खबरों में कहा जा रहा है कि डायरेक्टर इंद्र कुमार इसे निर्देशित करेंगे और उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट भी लिख चुकी है। लेकिन अब ताजा खबर आ रही है कि इंद्र कुमार की ही फिल्म से छुट्टी कर दी गई है। कानपुर हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्व एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे 15 लोग घायल। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्व एक्सप्रेस के 12 डिब्बे कानपुर के चकेरी के पास पटरी से उतरने से 15 लोग घायल हो गए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक पूर्व एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिले के अधिकारियों को घायलों को तुरंत उपचार देने तथा घटना के कारण फंसे यात्रियों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे राजीव चौधरी ने बताया कि 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इस मामले की जांच करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे के प्रवक्ता अमित मालवीय ने बताया कि रात 12:50 पर यह घटना हुई। तो MNS न्यूज़ आई की खबर।